आज कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने रेलवे स्टेशन पर संतरे बेचे, गाड़ियां धोई, ऑर्केस्ट्रा में कीबोर्ड बजाया और फिर अपनी मेहनत से खड़ी की 400 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी। इन शख्स का नाम है प्यारे खान। आपको जानकर हैरानी होगी, एक समय खुद मजदूरी करने वाले प्यारे खान आज अपनी कंपनी में 700 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी तो हमारा 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। मेरे पास 2 पेट्रोल पंप है, 250 ट्रेलर है हमारे यहाँ, और मेरे यहाँ 700 एम्प्लॉई है, और पैन इंडिया मेरे ऑफिस है, जयपुर में है, उसके बाद अहमदाबाद में, कलकत्ता में है। नागपुर के स्लम एरिया में जन्मे प्यारे खान आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें मुश्किलों के एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा था। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण उन्हें 13 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन में संतरे बेचने पड़े थे। ये 13-14 साल की उम्र से काम की, यानी पढ़ाई तो कर ही रहा था, साथ में जब 2 महीने का छुट्टी लगता था तो तब भी मैं काम करता था, रेलवे स्टेशन पे मैं संतरे बेचा करता था। तो ऐसे बहुत सारे काम किए, फिर गाड़ी वॉशिंग का काम किया। प्यारे खान ने इसके बाद ट्रक खरीदने की योजना बनाई, लेकिन बैंकों की चौखट पर भी उन्हें मुश्किलों का ही सामना करना पड़ा। 2004 में एक बैंक ने अप्रूव किया। अब वो बैंक के जो भी लोन देने के लिए आती, वो पहले पूछती थी आपका घर कहाँ। घर सलम एरिया में लगा होने से वो कोई भी लोन देता नहीं था। लेकिन प्यारे खान की खुशी को जल्द ही नजर तब लग गई जब उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। वो भी ट्रक का 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि हमारे जो दोस्त लोग थे, हमारे परिवार, बोले अभी तुम बर्बाद हो गए, अभी ये ट्रक बैंक को वापस कर दो, और तुम इस ये लाइन तुम्हारे लाइक नहीं। लेकिन प्यारे खान की उम्मीद नहीं टूटी, वो कोशिश करते रहे, और लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। मैंने हर चीज में रिस्क लिया। अगर जीवन में कुछ करना, आगे बढ़ना है, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हम सोचते रहे कि नहीं, अरे जब तक आप वहां जाओगे नहीं, तब तक आपको कुछ, देखिए अगर स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा। आज प्यारे खान अपने क्षेत्र के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए वो बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते गए और हार नहीं मानी। मेरे अंदर इतनी जिद थी कि कोई भी काम के लिए अगर मैंने ठान लिया तो उसको छोड़ता नहीं था, चाहे कितना भी समय लग जाए। मैं सक्सेस के पीछे नहीं, कभी नहीं भागा, मैं उस काम के पीछे भागा और उस काम को कंप्लीट किया, तब मेरे को जाके सक्सेस मिला। वो कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां प्यारे खान पर सटीक बैठती हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।